स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं मृदा उत्पादक जो खनिज पदार्थ पिछले वाली वीडियो में अपन ने देखा था, उनका वर्गीकरण किया गया था और वर्गीकरण के आधार पर अपन ने देखा था दो प्रकार के थे। पहला जो अपने पास में था खनिज पदार्थों की उत्पत्ति के आधार पर, ये प्राथमिक खनिज पदार्थ थे, और दूसरे कौन से थे, द्वितीयक खनिज पदार्थ थे। इन्हीं में जो क्लासिफिकेशन है वो है रासायनिक संगठन के आधार पर, इसके आधार पर किया गया है। दूसरा जो रासायनिक संगठन के आधार पर का वर्गीकरण किया गया है उसमें ये मुख्य रूप से सात प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सात प्रकार के खनिज पदार्थ होते हैं। किसके आधार पर है? रासायनिक संगठन के आधार पर है। खनिज पदार्थ कितने प्रकार के हैं? सात प्रकार के होते हैं। पहला जो आपके पास में है वो है तत्व, एलिमेंट जो होते हैं शुद्ध अवस्था के अंदर होते हैं। कैसे होते हैं? शुद्ध खनिज पदार्थ होते हैं। और शुद्ध खनिज पदार्थ हैं वो कौन कौन से आते हैं? हीरा, ग्रेफाइट वगैरह जो होते हैं, ये हैं इसके अंदर खनिज पदार्थ हैं, ये सभी हैं। मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ऐसे जो होते हैं तत्व अवस्था के अंदर जो पाए जाते हैं, आवर्त सारणी के अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, ये सब किसमें आते हैं? तत्वों की श्रेणी के अंदर आते हैं। दूसरा आपके पास में है वो ऑक्साइड प्रवृत्ति के होते हैं। ऑक्साइड के अंदर क्या होता है? जिनमें ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है या ऑक्सीजन परमाणु धातु को अधातु के साथ में जुड़ा होता है। देखिए इसमें हेमेटाइड है, जैसे फेरस का ऑक्साइड होता है, मैग्नेसाइड है, ये मैग्नीशियम का या कैल्शियम का ऑक्साइड होता है, लिमोनाइट है, ये भी है एक ऑक्साइड होता है। ये मुख्य रूप से जो उसके एग्जांपल्स हैं सभी आप इसमें देख रहे हैं, वो एग्जांपल्स अपने लिए इम्पोर्टेंट हैं। कौन सी कैटेगरी में कौन से एग्जांपल्स आते हैं वो अपने थोड़ा सा ध्यान इसके बारे में रखना है, ठीक है। बाकी इसमें है क्या, कुछ खास नहीं है, परिभाषाएं वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। ऑक्साइड में है हेमेटाइड है, मैग्नेसाइड है, लिमोनाइट है, इत्यादि जो होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तीसरा आपके पास में है वो कार्बोनेट। कौन है? कार्बोनेट। कार्बोनेट का मतलब है जिसमें क्या पाया जाता है? CO3, ये ग्रुप पाया जाता है कार्बोनेट पर, जो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो अपने पास में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, इसको चूना पत्थर भी कहते हैं, पर ये वाला भी इसमें मिलेगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट है, डोलोमाइट वगैरह है, ये सब इसमें आते हैं कार्बोनेट की कैटेगरी के अंदर, इनको रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इस वाले में तो मैं आपके पास में कौन सा फेल्सपार वर्ग, फेल्सपार वर्ग जो होता है, ये फेल्सपार वर्ग है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है मोस्टली। इसमें ऑर्थोक्लेज फेल्सपार और प्लेजियोक्लेज फेल्सपार दो टाइप के हो गए। ऑर्थोक्लेज का जो एग्जाम्पल है वो क्या हो अपने पास में? ऑर्थोक्लेज है। इसकी प्रवृत्ति कैसी है? अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय प्रवृत्ति के फेल्सपार होते हैं। और दूसरा आपके पास में है प्लेजियोक्लेज, प्लेजियोक्लेज के अंदर आता है, वो आता है सोडा लाइम, क्या आता है? सोडा लाइम। और सोडा लाइम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिश्रण है ये क्या कहलाएगा? सोडा लाइम कहलाएगा, जो किसमें आता है? प्लेजियोक्लेज फेल्सपार वर्ग का सेकेंड पार्ट अपने पास में है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आपके पास में कौन सा है? माइका वर्ग। कौन सा है? माइका। और माइका जो होती है, माइका जो वर्ग होता है, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन सा? मस्कोवाइट। क्या नाम है? मस्कोवाइट, जिसको बोलते हैं श्वेत माइका। क्या बोलते हैं इसको? व्हाइट माइका भी इसको बोला जाता है, श्वेत माइका भी होती है, सफेद होती है, व्हाइट कलर की है। दूसरा है बायोटाइट, बायोटाइट जो होता है इसको काला माइका भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? काला माइका भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो वो है अपने पास में एपेटाइट वर्ग। कौन सा है? एपेटाइट वर्ग। और स्टूडेंट्स एपेटाइट वर्ग के अंदर अपने पास में है ऐसे खनिज लवण आते हैं जिनमें फॉस्फेट समूह होता है। कौन सा समूह होता है? फॉस्फेट। और फॉस्फेट समूह जो होता है वो क्या होता है? PO4-3-। कैल्शियम फॉस्फेट है, मैग्नीशियम का फॉस्फेट है, ये जो फॉस्फेट होते हैं किसमें मिलते हैं? कैल्शियम मैग्नीशियम के जो फॉस्फेट है वो किसमें आते हैं? एपेटाइट वर्ग के अंदर आते हैं। और ये कठोर पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? कठोर पदार्थ होते हैं, ये एपेटाइट वर्ग में आते हैं। और लास्ट वाला आपके पास में स्टूडेंट है वो 7 नंबर पे है, वो होरन ब्लेंडे वर्ग। तो ये होरन ब्लेंडे वर्ग जो है उसमें क्या आता है?
कैल्शियम और मैग्नीशियम के सिलिकेट, क्या आते हैं इसमें, मैन आते हैं सिलिकेट। तो सिलिकेट ऐसा ही फोर जो इकाइयां होती हैं ये अपने पास में है, सिलिकेट्स वर्ग में आती हैं, सिलिका मैन रूप से इनके अंदर पाई जाती है, इसलिए क्या कहलाएंगे, सिलिकेट कहलाएंगे। तो मुख्य रूप से अपन ने देखा है रासायनिक संगठन के आधार पर सात प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, सात प्रकार के होते हैं। तत्व अवस्था के अंदर खनिज पदार्थ आते हैं, कौन कौन से आते हैं उनके एग्जाम्पल्स, ऑक्साइड में कौन कौन से आते हैं उनके एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए अपने को, कार्बोनेट्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए, फेल्सपार में ऑर्थोक्लेज है वो कैसा होता है, प्लेजियोक्लेज का एग्जाम्पल्स क्या है वो पता होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है ये थोड़ा सा अपने पास में माइका जो वर्ग होता है इसमें मस्कोवाइट जो श्वेत या सफेद माइका होता है उसको क्या बोलते हैं, काली माइका जो होता है ब्लैक जो माइका होता है उसको क्या बोलते हैं, बायोटाइट बोलते हैं, ये भी अपने को पता होना चाहिए। एपेटाइट वर्ग में कैल्शियम फॉस्फेट मैग्नीशियम के फॉस्फेट है ये इसके अंदर मिनरल्स हैं लवण है वो आते हैं, और लास्ट में कॉर्नब्लेडे वर्ग में अपने पास कैल्शियम या मैग्नीशियम के जो सिलिकेट होते हैं उनको किस कैटेगरी के अंदर रखा गया है। तो मोस्टली अपन ने देखा है मृदा उत्पादक जो खनिज पदार्थ होते हैं वो मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड थे, पहले वाला कौन सा था उत्पत्ति के आधार पर दो टाइप है प्राथमिक और द्वितीयक यानी प्राइमरी और सेकेंडरी, और दूसरा टाइप है रासायनिक संगठन के आधार पर वो भी कितने प्रकार के हैं, मोस्टली सात प्रकार के अपने पास में उनके एग्जाम्पल से यहाँ पर देखे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वाली वीडियो अपन देखने वाले खनिज जो पदार्थ होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये चट्टानें जो होती हैं उनका अपचय किस प्रकार से होता है ये अपन नेक्स्ट वाली क्लास में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके लिए इसमें देख रहे हैं हर चीज़ है, स्टेप बाय स्टेप इसमें चल रहा है, अपन ने मृदा को पढ़ा है, मृदा के अपचय की जो प्रकार है अवयव है उनके बारे में अपन ने पढ़ा है, मृदा है अग्रे चट्टाने हैं उनके बारे में अपन ने पढ़ा है, वो जो अपना टॉपिक चल रहा है कि लवण खनिज लवण वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये सभी एक एक को अपन ने प्रत्येक को पढ़ लिए हैं। बाद अगले वाले टॉपिक में जब अपन बात करेंगे वो आएंगे जो चट्टाने होती हैं उनका अपचय किस प्रकार से होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।